ऑलराइट देन, सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग मीनू. ठीक है, सो वेलकम टू दिस सेशन. आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, आज के सेशन में हम लोग कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे, राइट? कुछ प्रैक्टिस करेंगे कि हम कितनी तेजी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं. आज की क्लास का मोटिव सिर्फ क्या है, आज की क्लास का मोटिव इतना है कि हम लोग फटाफट से जो कुछ सेलेक्टेड से एमसीक्यूज है जो कहीं ना कहीं हमें टिप्स पे आने चाहिए उसका कलेक्शन करेंगे, बट विद अ स्पीड. ठीक है ना, फटाफट से इनको समझते हुए चलेंगे. हर क्वेश्चन पे एक पोल छोटा मोटा सा क्रिएट होता रहेगा एंड आई जस्ट होप कि आप उसके बाद अपना आंसर बताते हुए चले, राइट? कह सकते हैं क्लियर है बात मीनू? ठीक है, आई थिंक बाकी बच्चे भी इस वक्त आ रहे होंगे, पहुंच रहे होंगे, धीरे धीरे नोटिफिकेशन जाएगा उसके हिसाब से बच्चे आएंगे. ठीक है, तो ये तो प्रोसेस क्या चलता रहेगा. तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे आज के क्वेश्चन के ऊपर. ठीक है, हाँ ये प्रोसेस है, ये चलता रहता है. ठीक है, तो आज की क्लास का मोटिव क्या है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करना विद इन एन आवर, यानी कि एक घंटे के अंदर हम जितनी चीजें सीख पाए समझ पाए उतना बेटर होगा. तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट. ठीक है, तो आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है सर सिर्फ मैं हूं आंसर करूं, बिल्कुल मीनू कर सकते हो आप आंसर करो, बिल्कुल करो. ठीक है, बस यार जो आ रहा है जैसे आ रहा है बस शुरू करो उसे, दैट्स इट. ठीक है, तो बस बताना क्या आंसर आता है, बाकी कुछ पूछना बताना है तो बताओ, डिस्कस करते हैं जब तक बाकी के स्टूडेंट्स आ रहे हैं दिख रहे हैं. डन है, तो चलो खैर छोड़ो इन बातों को, शुरू करते हैं. आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मीनू या फिर अदर जो भी अभी इस बीच आता है, तो एक बार आप लोग ट्राई करना वट एवर बी योर आंसर, सही गलत जैसा भी आपको ठीक लगे. ठीक है, एक छोटा सा पोल मैं क्रिएट कर देता हूँ, जस्ट टेल मी द आंसर, क्या आंसर होना चाहिए इसका. ठीक है, सो देर आर 42 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल ड्यू टू एडमिशन ऑफ, ये ऑफ है, 13 न्यू स्टूडेंट, एक्सपेंसेस ऑफ द मेस इंक्रीज बाय रुपीज 30 पर डे. ठीक है, एंड व्हाइल पर डे एक्सपेंस पर स्टूडेंट इज रिड्यूस बाय रुपीज 3, तो व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस पर डे. तो मेस का ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पर डे का क्या होगा. ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, आप सही गलत जो भी आपको ठीक लगे बताओ क्या आंसर होना चाहिए. ठीक है, ओके, लास्ट मोमेंट पे क्या बात है मीनू. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सो पोल इज अबाउट टू कंप्लीट, राइट? चलो तो यहां पर देखते हैं हम लोग क्या आंसर होना चाहिए इसका. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, आप सीधा सा लेट कर लो कि एक स्टूडेंट के ऊपर आप ए रुपीज पर डे पर स्टूडेंट पे खर्च करते हो, आप पर स्टूडेंट पे ए रुपीज पर डे पर स्टूडेंट पे खर्च करते हो. तो अगर मैं बात करूं तो इनिशियली मैंने क्या बोला, बाद में 30 रुपीज पर डे इंक्रीज हो जाता है, यानी कि शुरुआत में मैं कितना इन्वेस्ट करता था, 42 ए इन्वेस्ट करता था. ठीक है, अब मैं कितना इन्वेस्ट करता हूँ, ए माइनस 3 बच्चों पे इन्वेस्ट करता हूँ, बच्चे 13 बढ़ चुके हैं, यानी कि टोटल 55 बच्चे हो चुके हैं. तो इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, इनके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 30, राइट? तो सिंपल सी इक्वेशन बनेगी क्या, कि अगर मैं ए रुपीज पर डे पर स्टूडेंट पे खर्च करता था तो 42 ए और 55 ए माइनस 3 नया वाला खर्चा है मेरा, दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 है. तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट बता देता हूं, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी. तो ये मुझसे पूछता है कि बताओ ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पर डे का कितना होगा, आप इसको सॉल्व कर लेना, 55 ए में से 42 ए माइनस करोगे 13 ए आएगा, इसको वहां पे ऐड करना, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेना. तो 42 ए होगा, यानी कि 42 इंटू 15 अगर मैं करता हूं, माय आंसर विल बी 630, तो जो कि करेक्ट आंसर है मीनू आपका. बाकी तरीका ये होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, राइट? तो आई होप ये बात क्लियर है. आते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का, एक बार ट्राई करें और मैं इसका पोल क्रिएट कर देता हूं. ओके, सो क्या लगता है क्या आंसर आएगा इसका. द एवरेज वेट ऑफ 8% इज इंक्रीज बाय 2.5 केजी व्हेन वन ऑफ देम 56 केजी इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू मैन. तो फाइंड द वेट ऑफ द न्यू मैन. तो बताइए जो नया आदमी आया है इसका वेट क्या है. क्या है, 8% है आपके पास, 8% का एवरेज वेट 2.5 इंक्रीज हो जाता है जब आप उसमें से एक पर्सन को रिप्लेस कर देते हो. ठीक है, उसमें से एक बंदा जिसका वजन है 56 केजी, आप उसको रिप्लेस करते हो तो जो एवरेज है वो 2.5 इंक्रीज हो जाता है. कितने पर्सन का, 8% का. तो बताइए कि जो नया आदमी है उसका वेट कितना होगा. ये मैंने दो बार लिख दिया, फाइंड द वेट ऑफ न्यू मैन, फाइंड द वेट ऑफ न्यू मैन, इसको हटा दो, सिंपल सा यही क्वेश्चन है. ऑप्शन आर 73, 75, 76 एंड 72.
तो क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राजू, मीनू और आई गेस एक बच्चा और, आई डोंट नो क्या नाम है, अभी देखा नहीं मैंने नेम। ओके, सो यहां पर दो बच्चों के आंसर हैं लास्ट मोमेंट पे और दोनों ही आंसर गलत आए हैं, पर कोई बात नहीं, संकेत एंड राजू, देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। यार सिंपल से एक बात ध्यान रखो, क्या होता है एवरेज का जब भी क्वेश्चन होता है ना, एक ग्रुप होगा, एक ग्रुप में से हमेशा क्या करते हैं लोग अक्सर एक बंदे को, देखो दो चीजें चलती हैं, एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप के अंदर क्या होगा, या तो कोई बंदा उस ग्रुप के अंदर आएगा या कोई उस ग्रुप को छोड़ के जाएगा या फिर बंदे को रिप्लेस किया जाएगा, या तो एक पर्सन इंक्रीज हो जाएगा या एक पर्सन चला गया जिसकी वजह से डिक्रीज हो गया या आपने रिप्लेस करा। सीधा फंडा होता है एवरेज को मेंटेन किया करो। अगर 56 केजी का बंदा गया है और अगर 56 केजी का ही आ जाए तो एवरेज मेंटेन रहेगी, यानी एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर हुआ क्या है, जब ये बंदा गया और जो वापस आया है उसके आने से जो 8 पर्सन है, कितने पर्सन थे, 8 पर्सन थे, 8 पर्सन का 2.5 किलो इंक्रीज हो गया है, यानी 8 बंदों का 2.5 केजी इंक्रीज हो गया है। तो ये जो पर्सन आया है अगर इसका वेट 56 होता तो एवरेज मेंटेन रहती, पर इसने आ करके सबका वजन 2.5 किलो बढ़ा दिया, यानी ये 56 का तो है ही, साथ ही साथ 8 बंदों का 2.5 किलो वजन बढ़ाया, तो 8 × 2.5 तो आंसर होगा 56। और यहां से आ जाएगा मेरा कितना, अगर मैं इसको इंटू करता हूं तो 20 आ जाएगा, यानी कि 76 विल बी द राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 76। डन है। तो अभी तक हमने दो क्वेश्चन पे नजर मारी है, ये दो क्वेश्चन अभी हमने करे हैं, आते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग बताना करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो प्लीज बता देना, मैं उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन ये है कि द बैटिंग एवरेज ऑफ द बैट्समैन इन 40 इनिंग इज 50 रन। 40 मैचेस में एक बंदे ने 50 रन बनाए हैं, 50 की उसकी एवरेज है, उसके हाई स्कोर और लो स्कोर का जो डिफरेंस है दैट इज 172। तो अगर इसकी इन दो इनिंग्स को मैं हटा देता हूं तो इसकी एवरेज 48 बन जाएगी। बताइए कि इसका हाई स्कोर क्या है, 172, 174, 176 या 178? क्या सही आंसर होगा? ठीक है जी, तो क्या लगता है सही आंसर क्या आएगा इसका? क्या बात है राजू, लास्ट मोमेंट पे पोल इज अबाउट टू एंड। दो बच्चों ने आंसर करा, उसमें से इनफैक्ट तीन बच्चों ने आंसर करा, दो के गलत हैं, एक का सही है, राजू का आंसर करेक्ट है। देखो सिंपल बात है यार, अगर किसी बैट्समैन की 40 इनिंग में 50 रन बनाता है तो उसने टोटल कितने रन बनाए, 40 इनिंग में किसी की एवरेज 50 है तो उसने टोटल रन बनाए 40 × 50। उसके बाद मैंने अगर इन दो इनिंग को हटा देता हूं, हाई स्कोर और लो स्कोर वाली इनिंग को हटा देता हूं, तो मैच कितने बचे, 48। ठीक है, कितने मैच बचे मेरे, सॉरी 38 मैचेस बचे, और 38 मैच में इसकी एवरेज कितने की है, 48 की एवरेज है। तो इन दोनों को क्या करूंगा मैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा उठा के कर दूंगा मैं माइनस। ठीक है, इन दोनों को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके आप क्या करना, माइनस कर देना, तो इसके हाई स्कोर और लो स्कोर की वैल्यू आ जाएगी। हाई स्कोर अभी मैं जनरल मेथड करा रहा हूं, जो जनरली मैं इसमें एक शॉर्ट ट्रिक कराता हूं वो नहीं बता रहा हूं, मैं जनरल तरीके से मैं करा रहा हूं। तो यहां पर हो जाएगा 2000 और यहां पर 38 में आप 48 इंटू कर देना तो आपका आंसर कितना आएगा, 8 × 64 = 6 = 8 + 32 + 24 = 56 + 66 = 62 + 2 = 6 = 18। तो ये होगा 1824। तो 2000 में से जब आप 1824 को माइनस करोगे तो 176 आएगा। ठीक है, ये है हाई स्कोर प्लस लो स्कोर, और हाई स्कोर लो स्कोर का डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 172। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे आपका हाई स्कोर निकल के आएगा 174। सो करेक्ट आंसर इज 174। डन है बात, तो आई होप ये क्लियर है। सिंपल सी बात ध्यान रखो, अगर ये कहता है 40 मैचेस में इसकी एवरेज 50 की है तो इसने 40 मैचेस में रन कितने बनाए होंगे, 40 × 50 के हिसाब से 2000 रन बनाए। अगर मैं इसकी हाई स्कोर और लो स्कोर की इनिंग को हटा देता हूं तो 38 मैचेस में उसकी एवरेज 48 है, तो 38 × 48 करोगे तो इसके 38 मैचेस के रन आ गए और ये सिर्फ 40 मैचेस के रन है, दोनों का डिफरेंस 176, राइट? तो हाई स्कोर और लो स्कोर को ऐड करने पे 176 आएगा और डिफरेंस कितना है, 172 है। बात खत्म। इसका सम क्यों आ रहा है, अगर आप 40 मैचेस में जो टोटल रन है उसमें से 38 मैचेस के रन को माइनस कर दोगे तो हाई स्कोर प्लस लो स्कोर ही आएगा आपका, और डिफरेंस 172 है। एलिमिनेशन मेथड लगा देना, आपका हाई स्कोर आ जाएगा, दैट इज 174। आई होप ये बात सभी को क्लियर है, यहां पर जितने भी बच्चे दिख रहे हैं मुझे, राइट? बाकी यार आप लोगों को फर्क मैं बता देता हूं सीधा, मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को पता ही है, ठीक है? कैट फॉर एमबीए नाम के यूट्यूब चैनल पे मैं दो बार लाइव आता हूं, दैट इज 2 PM और 11 PM। ठीक है, बस एक मिनट लूंगा मैं, ज्यादा नहीं।
प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस क्या है? प्लस में होती है लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और वेल स्ट्रक्चर वे में कोर्स मिलता है। प्लस के सारे फीचर आइकॉनिक में भी होते हैं, पर्सनल गाइडेंस मिलती है, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस। ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं आइकॉनिक में जो आपको देखने को मिलता है, और प्लस के तो है ही सारे। फीस स्ट्रक्चर अगर इनका डिफरेंस जानने का, फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो 16,400 फॉर 6 मंथ, 22,550 फॉर 12 मंथ एंड 32,800 फॉर 24 मंथ और RMN10। ये कोड आप जरूर यूज करना जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो इस कोड को यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और आइकॉनिक की अगर मैं बात करूं तो 39,500 फॉर 12 मंथ एंड 59,999 फॉर 24 मंथ। और बाकी जैसे मैंने कहा कि RMN10 ये कोड आप यूज करना ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिले। आइकॉनिक में एक फीचर और देखने को मिलता है, दैट इज 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, जिसमें आप अपने मेंटर से डायरेक्टली बात कर सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सकते हो, एग्जाम स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हो, स्टडी प्लान पूरा उनके साथ आप अपना बना सकते हो और बाकी अपने स्लॉट के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। ओके, चलो तो आगे बात करते हैं, फिलहाल आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का, काफी जनरल सा क्वेश्चन रखा है मैंने, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये, ठीक है। बताना आप लोग क्या आंसर होगा, ट्राई जरूर करना यार। अभी तक अगर किसी भी बच्चे का, अभी तक मिक्स ही चल रहा है, आई थिंक एक आंसर मीनू ने करेक्ट करा और एक राजू ने करेक्ट करा है बस। तो यहां पर एंड पॉइंट तक अभी बहुत गेम दूर है, लगभग 20-25 क्वेश्चन है अभी आपके सामने, ठीक है। तो आई थिंक आप आगे निकल सकते हो, ठीक है। और इन सब चीजों की पता है कि यार आदत होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम में भी जाओगे ना, तो एग्जाम में हो सकता है कि शुरू का 5 मिनट या 10 मिनट आपका काफी खराब जाए, आपसे एक ही पहला ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे अपने आप बंदे की रिदम बन जाती है। इसलिए टिकना सीखो कि लाइक 1 घंटा पूरा परफॉर्म करना सीखो कहीं भी बैठ के, वरना अक्सर यही होता है कि एग्जाम के शुरू के 10-15 मिनट खराब चले गए आपके और बंदा वहां पर बहुत ही बेकार परफॉर्म करके आता है। इस चीज की आदत बनाने की कोई बात नहीं यार, मेंटेन करो, 1 घंटा कंटिन्यूअस परफॉर्म करना सीखो, ठीक है, ताकि एग्जाम में कभी कोई दिक्कत ना आए। ओके, सो पोल इज अबाउट टू एंड, चलो जी कोई बात नहीं, देखते हैं यहां पर देखते हैं। कहता है एक बैट्समैन की सर्टेन एवरेज है 11 इनिंग्स में, ठीक है, 11 इनिंग में उसकी एवरेज को एक्स मान लेता हूं मैं मान लेता हूं बंदे की 11 इनिंग में एवरेज एक्स है। हिज स्कोर, ही स्कोर, ही हिज नहीं आएगा, ही स्कोर 90 रन इन द 12th इनिंग, 12th इनिंग में 90 रन बनाता है, जिसकी वजह से इसकी एवरेज 5 डिक्रीज हो जाती है। तो बताइए इसकी करंट एवरेज क्या है? अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं क्या करता हूं, इसकी पहली वाली एवरेज मान लो एक्स है, तो इसका मतलब इससे पहले आज ये 12वां मैच खेलने आया है, तो इससे पहले इसने टोटल रन कितने बनाए? अगर किसी की 11 इनिंग्स के अंदर अगर किसी की एवरेज एक्स है, तो इसका मतलब इसने टोटल रन कितने बनाए होंगे? 11x बनाए होंगे। सीधी बात होती है यार, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर आप एवरेज के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो तो सम आता है। अगर 11 इनिंग में किसी की एवरेज एक्स है, तो उसने टोटल रन कितने बना रखे? 11x बनाया। आज वाली इनिंग में 90 रन और बना दिए, तो आज वाली इनिंग के बाद इसके टोटल रन कितने हो गए? 11x प्लस 90, राइट? एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग? एवरेज निकालते हैं टोटल रन अपॉन में नंबर ऑफ इनिंग्स। टोटल रन कितने? आज से पहले 11 मैचेस में x की एवरेज थी, तो 11x इसकी टोटल रन है। आज इसने 90 रन बनाए, तो 11x प्लस 90। और अगर आप इसको उठा के डिवाइड कर दोगे 12 से, तो इसकी नई एवरेज आ जाएगी। पुरानी एवरेज इसकी x थी और अब इसकी एवरेज 5 कम हो गई है, तो x माइनस 5, ये सीधी सी इक्वेशन बन जाएगी। ये 11x क्या है? 11 मैचेस के रन। 11x प्लस 90 क्या है? 12 मैचेस के टोटल रन। अगर इसे 12 से डिवाइड करूं तो 12 मैचों की एवरेज, 11 मैचों की एवरेज थी x रन, अब 5 की एवरेज कम हो गई है, तो अब इसकी एवरेज कितने? x माइनस 5 है। उठा के सॉल्व कर देना इसको, 11x है, ये 12x होगा, माइनस करोगे x आएगा, 12 × 5 = 60 होता है, 60 को ले जाके वहां पे करोगे तो कितना आएगा? 150 निकल के आएगा आपका, ठीक है। तो मैंने पूछा इसकी करंट एवरेज बताओ, तो 150 तो इसकी पुरानी एवरेज है ना, करंट एवरेज क्या हुई? 150 माइनस 5 यानी कि 145। एंड आई एम श्योर कई बच्चे ना 150 आते टिक लगा देते हैं, 150 आते ही बच्चे टिक लगा देते हैं, दैट्स व्हाई मैंने ये ऑप्शन दिया है, राइट ना? और यही होता है एग्जाम्स में, दैट्स व्हाई मेरा कहना, जैसे मैं आज क्लास में भी कह रहा था, जरूरत से ज्यादा क्विज मत किया करो, चैप्टर भी पढ़ो बट क्विज भी करो, क्योंकि क्विज में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव माहौल, ये सब छोटी छोटी गलतियां आप सीखते हो। अब आज के बाद जैसे संकेत का कहना है कि सर मैंने सेम मिस्टेक कर दी, तो संकेत आज के बाद हमेशा ध्यान रखना कि जैसे ही एक्स आता है और बच्चे तुरंत टिक लगाते हैं, ये एक बहुत कॉमन गलती है जो हमें कभी नहीं करनी। तो कभी भी एक्स आए तो हमेशा एक बार देख लिया करो कि एक्स था क्या,
एक्स पुरानी एवरेज थी और ये बंदा करंट एवरेज पूछ रहा है, तो करंट एवरेज 5 कम है, ठीक है। तो ये सब क्विज टेस्ट इनके थ्रू आप यही सब चीजें सीखते हो कि क्या वो कॉमन मिस्टेक है जो हर कोई करता रहता है, ठीक है। चलो आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आप लोग बताएं। ये आई थिंक इसका आंसर ज्यादातर बच्चे बता पाएंगे ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने नंबर काफी आसान रखे हैं। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन में नंबर काफी कॉम्प्लिकेटेड कर सकता था, पर अभी राइट नाउ मैंने नंबर आसान ही रखे हैं, तो ये मुझे लगता है काफी बच्चे बता पाएंगे। द एवरेज एज ऑफ द टीचर एंड हिज 16 स्टूडेंट इज 18 ईयर्स, ठीक है। टीचर और उसके जो 16 बच्चे हैं उनकी एवरेज है 18 साल। इफ द एज ऑफ द टीचर इज एक्सक्लूडेड, अगर आप टीचर की एज हटा देते हो तो जो एवरेज है वो 3 महीने कम हो जाती है, 3 मंथ एवरेज गिर जाती है। तो बताइए कि टीचर की एज क्या है, टीचर की एज क्या होगी ये बताना है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, एवरेज के बहुत कॉमन क्वेश्चन है जिसमें ग्रुप होता है, उस ग्रुप में से या तो कोई आदमी उस ग्रुप को छोड़ के जाएगा, या कोई आदमी आकर के उस ग्रुप को ज्वाइन करेगा, या फिर एक बंदे को रिप्लेस किया जाएगा। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप को या तो कोई छोड़ के जाएगा या कोई उस ग्रुप में आएगा, किसी के जाने से या किसी के आने से एवरेज में कुछ फर्क आएगा, और इसी बेसिस पे क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। ओके देन, तो यहां पे करेक्ट आंसर है सिमरन का, ठीक है, और 3 बच्चों ने आंसर करे जिसमें से एक सिमरन का सही है, 2 बच्चों के आंसर गलत है, कोई बात नहीं, समझते हैं। देखो जी, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आप पढ़ो जिसमें कोई बंदा ग्रुप को छोड़ के जा रहा है या ग्रुप में आ रहा है, तो सबसे पहला काम होता है एवरेज को मेंटेन किया करो। मेरे हिसाब से सिंपल तरीका ये होता है जो मैं हमेशा करता हूं, ग्रुप छोड़ के कौन, मैं टीचर को हटाने की बात कर रहा हूं, अगर मान लो टीचर भी 18 साल का ही है तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 16 बच्चे और जो टीचर है इनकी एवरेज है 18 साल। अगर टीचर को मैं हटाता हूं, टीचर भी 18 साल का ही है, तो एवरेज पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन एवरेज पे फर्क पड़ा है, चेंज इन एवरेज हुआ है, राइट, चेंज आया है, सिंपल लिखो चेंज आया है। कितना चेंज आया है, टीचर के जाने के बाद ये जो 16 बच्चे बचे जिनकी एवरेज इससे पहले 18-18 साल थी, अब इन 16 के 16 बच्चों के 3-3 महीने कम हो गए। ये 16 बच्चे जिन ये 16 बच्चे जो सबके सब 18-18 साल के थे, अब ये सब 3-3 महीने कम हो गए। तो ये जो 16 बच्चों के 3-3 महीने कम हुए हैं ये कहां गए, ये 3-3 महीने जो इन सबके कम हुए ये कहां गए, टीचर की एज में जाके ऐड हो जाएंगे। 16 × 3 = 48 मंथ, 48 मंथ का मतलब क्या होता है, 4 साल। तो ये टीचर 18 साल का है और इसने 4 साल लोगों का सम कम कर दिया, तो दैट मीन्स 4 आके यहां पर ऐड होगा, टीचर है 22 साल का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि बच्चे कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि सर 16 स्टूडेंट और प्लस में एक टीचर था, राइट ना, प्लस में एक टीचर था, ये कितने साल के होंगे, 16 × 18 कर दोगे आप तो टीचर और बच्चों की एज का सम आ जाएगा, फिर आप 16 स्टूडेंट की एज निकालोगे, उसके लिए आप क्या करोगे, अच्छा टीचर और ये 17 हो गए, तो सॉरी 17 × 18 करोगे तो टीचर और बच्चों की एज का सम आ जाएगा, फिर बच्चे हैं 16, उसके अंदर आप कितना इंटू करोगे, 17 ईयर 9 मंथ इंटू करोगे तो 16 बच्चों की एज आएगी, फिर इसको माइनस करके आप टीचर की एज बता पाओगे। लेकिन ये मुझे लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है, सिंपल फंडा ये होता है जब भी कोई ग्रुप छोड़ के जाए या ग्रुप में आए, सबसे पहले जो एवरेज चल रही है वही एवरेज लेट कर लो ताकि एवरेज मेंटेन रहे। अब उसके जाने से या आने से एवरेज में जो फर्क पड़ा, वो जो सबकी वैल्यू कम हो गई है, वो कम किसकी साइड गई, इसी के पास आई होगी, तो टोटल 22 साल का टीचर है। आई होप ये बात क्लियर है, एक बार फटाफट से ये थम्स अप थम्स अप जो भी आपके मेथड है बताने के कि यस सर समझ आ गया, एक बार बताओ ये समझ आया सभी को, डन है। तो ये जब मैं एवरेज चैप्टर वैसे आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो अच्छे से इसकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आप लोग और अच्छे से यूज टू हो जाओ इन चीजों के। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का, ये क्वेश्चन आप लोग बताएं क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है। मैं ओके तो क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए इसका, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज बाय 16 × 2/3% इन 1 ईयर, डिक्रीज बाय 37 × 1/2% इन सेकेंड ईयर, ये 2 ईयर नहीं है, सेकेंड ईयर में इतनी कम हो जाती है और थर्ड ईयर में इतना परसेंट इंक्रीज हो जाती है। देन फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो बताइए कि गांव की प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, अगर फाइनल पॉपुलेशन 3 साल बाद की है 165000, 3 साल बाद की फाइनल पॉपुलेशन है 165000, तो बताइए कि ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या थी। मैंने सबको फ्रैक्शन बता रखे हैं, इसका फ्रैक्शन क्या होगा 1/6 होगा, इसका फ्रैक्शन मेरा 3/8 होगा, अगर मैं इसके फ्रैक्शन की बात करूं 400/7 है तो 400/7 का मतलब क्या 4/7 होगा, इसका फ्रैक्शन सीधा परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, कैंसिल आउट, 4/7 इसका फ्रैक्शन होगा,
चलो कोई नहीं, पोल का टाइम खत्म हो गया, आधा मिनट और ले लो, चैट में बताओ क्या आंसर आएगा, चैट में एक बार आप लोग बताएं क्या आंसर आना चाहिए। मीनू डी ऑप्शन। देखो सिंपल है यार, मैंने आप लोगों को बताया सक्सेसिव परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये पॉपुलेशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना सर एग्जाम में, ये सक्सेसिव के ही होते हैं। अगर गांव की पॉपुलेशन 16 2/3% इंक्रीज हुई, यानी कि 6 से 7 हो गई, 3/8 डिक्रीज होने का मतलब क्या, 8 पे 3 कम हुआ यानी 8 से 5 हो गई, और 4/7 इंक्रीज होने का मतलब क्या है, 7 से 11 हो गई। फिर आप क्रॉस में देखो क्या कट रहा है, 7 से 7 गया आपका, राइट, और तो कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा, तो 48 से 55, 55 की वैल्यू मैंने बोली है 16500 इंटू कितना करना पड़ेगा, 3000, सेम 3000 यहाँ पे भी इंटू कर देना, योर आंसर विल बी 144000, ये आंसर आएगा इसका, बात खत्म। तो ये सब तरीके मैंने आप लोगों को सिखा रखे हैं सक्सेसिव के क्वेश्चन सॉल्व करने के, बहुत बेस्ट मेथड होता है, फटाक से आंसर आता है। अब आप 100 मानोगे, एक्स मानोगे, ये सब मानोगे तो आप टाइम खराब कर रहे हो, और ऊपर से अगर ऐसी परसेंटेजेस आ गई एग्जाम में जैसी मैंने लिखी है, तब आपका जो अदर मेथड है ना, एक्स मान के करना, 100 मान के करना, बहुत टाइम टेकिंग मेथड है ये सब, ठीक है। चलो जी, आई होप यहां तक बात समझ आ गई है सभी को, डन। बाकी यार मैं आगे बता देता हूं आप लोगों को, कुछ जो बच्चे कैट 21 को टारगेट कर रहे हैं, कैट 21 के लिए 7 अगस्त को एक बैच स्टार्ट हुआ है और एक 11 अगस्त को स्टार्ट हुआ है, और कोई बच्चा जो कैट 22 को टारगेट कर रहा है उनके लिए 7 अगस्त को एक बैच स्टार्ट हुआ है, तो आप जा करके एनरोल कर सकते हो, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हो। एक ऑफर है यार, इसको ध्यान से देख लेना, 12 मंथ का जो ऑफर है जो सब्सक्रिप्शन का है, उस पे आपको 3 मंथ फ्री मिलेंगे, और 24 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 मंथ और फ्री, डन है। तो ये आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए, ठीक है। कोई भी बच्चा कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड है, मतलब कैंपस प्लेसमेंट आईटी जॉब से रिलेटेड, तो 11 अगस्त तक का ऑफर वैलिड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यार मैं अपनी टाइमिंग्स बता दूं, स्पेशल क्लास की डेली 5 बजे और TTS में 8 बजे, राइट, और अनअकैडमी कैट फॉर एमबीए यूट्यूब चैनल पे 2 और 11 बजे। ये मेरे जनरल टाइम है, मतलब इस टाइम उम्मीद कर सकते हो कि मैं आऊंगा ही आऊंगा, ठीक है, कोई वजह से ना हो तो एक अलग बात है, और इससे अलग कभी मैंने कोई टाइमिंग रखी तो आपने मुझे आई थिंक फॉलो कर ही रखा है, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। बाकी यार स्पेशल क्लास के फीचर क्या आपको क्लियरली दिख रहे हैं, इंटरेक्टिव लाइव सेशन, पोल, रेज हैंड, नेवर मिस अ क्लास, मतलब लाइक नोटिफिकेशन आना, लेक्चर के नोट्स क्लास ओवर होते ही मिल जाएंगे, एनी टाइम एनी वेयर आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो। कॉम्बैट सेशन आपको पता ही है, बाकी यहाँ पे टेस्ट चलते हैं मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे, जिसमें ये टॉपिक है वोकैबुलरी ग्रामर पजल स्पीड मैथ्स करंट अफेयर और मैथ्स कॉन्सेप्ट बूस्टर, आज 7 बजे भी होगा, जाहिर सी बात है 30 मिनट का 15 क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करना, काफी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, तो इन सब चीजों को आप देख सकते हैं। चलो आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग, चलो 15 सेकंड में एक्स्ट्रा देता हूँ यार, ठीक है, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग आंसर करोगे, बताओ यार क्या आंसर आएगा। जो भी बच्चे मेरे साथ परसेंटेज चैप्टर पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन मैंने उन सबको करा रखा है, तो देखते हैं आप लोगों से होता है या नहीं होता सॉल्व, ठीक है। जिन भी बच्चों को मैंने परसेंटेज चैप्टर कराया है उनको मैं इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन सिखा चुका हूं, तो ये उम्मीद है कि शायद आप लोग करोगे इसका आंसर। संकेत, राजू, अभिनय, मीनू, सिमरन, क्या लगता है क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके के जो क्विज है ना, ये जैसे तेजी से फटाफट से कुछ रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मैं टाइम टू टाइम रखता रहूंगा यार, क्योंकि देखो अक्सर ना ऐसा होता है कि कुछ ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाते हैं, जैसे आज आपने मेरे साथ किया, आपसे गलत हो गया, आपने थोड़ा ध्यान लगाया, ऐसे ही क्वेश्चन तो वहां होगी, जरूर प्रैक्टिस करते रहा करो, इस ओके 10 9 8 अभिनव मीनू राजू कहां रह गए बताओ आंसर। चलो मीनू बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हीरो वाली एंट्री लेते हुए, ठीक है 72, ठीक है जी मीनू बढ़िया डन है। देखें अभिनव राजू एक बार समझे क्वेश्चन कैसे होना है। देखो यार मैंने आप लोगों को सीधा सा बताया था, क्या मैंने हमेशा आपको बताया कि जब भी एक्सपेंडिचर सेम होता है, मैंने आप लोगों को ये चीजें कराई थी कि जब एक्सपेंडिचर सेम होता है तो अगर प्राइस का रेशो ए से बी है तो कंजम्पशन का रेशो सीधा सा बी से ए चलता है, ठीक है। यहां पर रिडक्शन कितना हुआ है, शुगर के प्राइस में 20% का रिडक्शन हुआ, 20% इज 1/5, यानी कि जो प्राइस है वो 5 से 4 हो गया, तो इसकी जो कंजम्पशन है, क्योंकि क्योंकि ये जो फैमिली है यह 20 किलो ज्यादा खरीदती है 400 रुपए में, इसका मतलब यह है कि फैमिली जो है पहले भी 400 रुपए की चीनी खरीदती थी और आज भी 400 की खरीद रही है। यार देखो अगर मैं आपको यह कहता हूं कि ये फैमिली अब 400 रुपए में 20 किलो ज्यादा खरीदती है, तो इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब यही तो हुआ कि मैं पहले भी 400 रुपए में ही खरीदते थे चीनी, आज भी 400 में खरीद रहे। अगर कोई आपको स्टेटमेंट देता है कि अब ये 400 रुपए में 20 किलो ज्यादा खरीद रहे हैं, दैट मींस वो पहले भी 400 में खरीदते थे, अब भी 400 में खरीदते हैं। 400 पे ही मैं कंपैरिजन बता रहा हूं, तो एक्सपेंडिचर सेम है। तो प्राइस अगर 5 से 4 है तो कंजम्पशन 4 से 5 हो जाएगा। तो आप ये देखो कि कंजम्पशन कितनी इंक्रीज हुई है। तो फैमिली ने कंजम्पशन बढ़ा दिया मेरे हिसाब से 1 यूनिट पर, एक्चुअल में 20 किलो, ठीक है। मुझे अब बतानी है ओरिजिनल प्राइस पर केजी। तो इस 4 के अंदर जब मैं 20 इंटू करूंगा तो इसका मतलब ये फैमिली पहले 80 किलो चीनी खरीदती थी कितने रुपए में, 400 रुपए में। तो अगर ये फैमिली पहले 400 रुपए में 80 किलो चीनी खरीदती थी तो पहले प्राइस कितना था चीनी का, 5 रुपए पर केजी। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 रुपीज पर केजी। डन है बात, आई होप क्लियर है सभी को यहाँ पे। अभिनव, राजू, डन है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? डन है, फटाफट से बता दो यस नो में। यस सर, यस, क्लियर है। संकेत, ऐसे ही कुछ किया था, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके का, आप लोग लगाना दिमाग, बताना क्या आंसर आता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट स्कोर 40% मार्क्स, एक बच्चे के 40% नंबर आए और वो 50 नंबर से फेल हो गया, बट व्हेन ही स्कोर 50% ही पास बाय 40 मार्क्स। यानी अगर 40% आते हैं तो 50 नंबर से फेल हो गया, और अगर इसके 50% नंबर आते हैं तो 40 नंबर से पास हो गया। तो बताइए कि पास मार्क्स क्या है एग्जाम के, ये जो एग्जाम है इस एग्जाम के पास मार्क्स कितने हैं ये आपको बताना है, कि व्हाट विल बी द पास मार्क्स, कि इस एग्जाम के पास मार्क्स क्या होंगे। ओके, 25 सेकंड्स आर लेफ्ट। तो राजू, अभिनव, उम्मीद है कि आप लोग फटाफट से आंसर बताओ क्या होना चाहिए। संकेत, बहुत अच्छे यार, वेरी गुड, आज संकेत फुल फ्लो में लग रहा है, बहुत बढ़िया। राजू, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। बस एक सही रीजन के साथ आप लोगों का आंसर आया हो तो बात में और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। फटाफट से देखते हैं यार क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके किसी एग्जाम में 40% नंबर आए और डिक्लेयर ये हुआ कि जनाब आप 50 नंबर से फेल होते हैं, और अगर आप इस एग्जाम में 50% नंबर लाते हो और डिक्लेयर ये होता है कि भाई साहब आप 40 नंबर से पास हो गए, तो यहां पर अगर मैं इन दोनों बातों का डिफरेंस देखूं तो इन दोनों ही केसेस में परसेंट वाइज कितना फर्क है, 10% का, और नंबर में कितना फर्क है। पहले आप पास वाले पॉइंट से 40 नंबर, पास वाले पॉइंट से अगर मान लो इस पॉइंट पे बच्चा पास होता है, ये पॉइंट है जिस पर आप पास होते हो, तो पहले आप इस पॉइंट से 50 नंबर पीछे थे और अब आप इस पॉइंट से 40 नंबर आगे हो, तो इन दोनों पॉइंट में कितना आया, 90 नंबर का। तो सीधी बात है 10% की वैल्यू है 90, 90 मार्क्स। तो इस एग्जाम में 1% की वैल्यू कितनी होगी, 9 नंबर लाना, 9 मार्क्स लेकर आना। अगर आपके इस एग्जाम में 1% नंबर आते हैं इसका मतलब आपके 9 नंबर आए हैं। तो पास मार्क्स क्या होंगे, इसके लिए मैं कोई भी एक डेटा उठा लेता हूं। तो ये जो बच्चा है जिसके 40% नंबर आए हैं, इसको अभी 50 नंबर और लाने हैं पास होने के लिए। तो 40% का मतलब कितना हुआ, 9 इंटू 40 और प्लस में 50, तो 360 प्लस 50 यानी कि 410 नंबर। तो 410 नंबर लाएगा तो पास हो जाएगा, समझ गए बात। आई होप ये क्लियर है सभी को, अच्छे से कह सकते हैं। तो इसको हमेशा ध्यान रखना है, और इस क्वेश्चन में सीधी सी बात नोट करना, जब दोनों ही केसेस में बच्चा पास हो जाता है ना तो इसके जो मार्क्स हैं उसके मार्क्स हम लोग माइनस करते हैं। दोनों ही केसेस में अगर वो फेल हो रहा है तो भी हम माइनस करते हैं, लेकिन पहले पास और फिर उसके बाद फेल हुआ है यानी पास फेल है तो आप नंबर ऐड कर देते हो, जैसे मैंने ऐड किया। अब ये मैं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूं जिसे आप रट्टा मारने की जरूरत है, जनरल सी बात मैंने किया, समझ लेना, आ जाएगा समझ में, ठीक है। चलो पढ़ते हैं आगे और आते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का, तो आप लोग बताना क्या होगा करेक्ट आंसर। पोल मैं क्रिएट कर देता हूं, हां जी। तो द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज 9600, इफ द मेल एंड फीमेल आर इंक्रीज बाय 8% एंड 5%, द पॉपुलेशन विल बिकम 10272 आफ्टर 1 ईयर। सिमरन ने आंसर 14 सेकंड में किया है, क्या रटा हुआ है क्या सिमरन ये आंसर आपको?
सेकेंड में फिर हो सकता है कि कॉपी पेस्ट ही करो, मतलब लाइक पहले देखा होगा क्वेश्चन आपने, बट अगर कैलकुलेट किया है तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि कई क्वेश्चन अक्सर हमें ऐसे टकरा जाते हैं जो कि विद सेम वैल्यू। देखो यही होता है, आप लोग ना टाइम टू टाइम रिवाइज करो, जैसे सिमरन है सपोज, अगर वो टाइम टू टाइम रिवाइज कर रही है सारे नोट्स, तो कई बार ऐसा होता है कि सेम नंबर भी रिपीट हो जाते हैं, कि वैसे देखते ही बच्चा टिक लगा देता है। ठीक है, मतलब इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कि आपने प्रैक्टिस कितनी करी है। तो सिमरन एंड अभिनव, बहुत बढ़िया जी, संकेत बहुत अच्छे, मीनू कहाँ रहेगी, मीनू डिप्रेस तो नहीं हो गए आप आज, मीनू सब ठीक, डिप्रेशन में तो नहीं चली गई कि ये क्या सर, अच्छा खासा लग रहा था, मैथ्स अच्छी चल रही है, ये आज आपने क्या रख दिया सामने, मूड खराब कर दिया आज आपने। मीनू समझ आ रहा है सारा कुछ जो भी कर रहा हूं मैं। चलो जी, मुझे चैप्टर बिल्कुल नहीं आता, कोई बात नहीं मीनू, सीख लेना उसके बाद आ जाएगा। देखो यार सिंपल कॉन्सेप्ट है, हाँ ये मिक्स है मीनू, अब एवरेज नहीं चल रहा, अब एवरेज से आगे आ चुके हम लोग। खैर अब यहां पर अगर मैं बात करूं, देखो यार हमेशा मैंने आपको बोला है कि जब दो अलग अलग डेटा हो और एक हो उनका मिक्स डेटा, जैसे दो अलग अलग डेटा क्या है, मैंने यहां मेल पे बात करी, मैंने कहा यार ये मेल है, अरे नहीं मीनू आंसर करो बिल्कुल, ट्राई करो अपनी साइड से, और ये फीमेल है, मेल कितने परसेंट इंक्रीज हुए, फीमेल कितनी परसेंट इंक्रीज हुई, दो इंडिविजुअल डेटा दिए हैं कि जनाब मेल जो है ये 8% इंक्रीज होते हैं, फीमेल जो है ये 5% इंक्रीज होती है, राइट, और एक उनका मिक्स डेटा दिया है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन तो मेल और फीमेल से मिलकर बनी ना, राइट, तो जो पॉपुलेशन है वो 9600 से बन गई 10272, तो पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है, 672 इंक्रीज हुई है, राइट। अब आप देखो 672 जो है 9600 का कितना परसेंट होता है, तो जब आप देखोगे दो जीरो से दो जीरो कटा और ये सीधा सीधा इसको 7 पे काटेगा, तो यानी कि अगर मैं मेल देखूं तो मेल 8% इंक्रीज हुए, फीमेल 5% इंक्रीज हुई है, और जो दोनों का मिक्स डेटा है, मिक्स डेटा मतलब क्या, पॉपुलेशन दैट इज इंक्रीज बाय 7%, तो जब आप इनको ऐसे क्रॉस में माइनस करोगे तो क्रॉस में माइनस करने से ये रेशो आया 2:1 का, ये 2:1 का रेशो किस चीज का आ रहा है, मेल और फीमेल का रेशो आ रहा है, डन। तो मैंने पूछा बताओ मेल कितने, तो मेल होंगे 2/3 आउट ऑफ 9600, कैंसिल आउट करना, 6400 विल बी द राइट आंसर, ठीक है, डन है। बाकी मीनू मजाक कर रहा था मैं, नहीं सी पढ़ो यार आराम से दिमाग लगाओ, कई क्वेश्चन आपके मतलब के आएंगे अभी, ठीक है, तो कोई नहीं आगे बढ़ना तेजी से। खैर जी आते हैं आज के अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का आपके सामने है, सही गलत वट एवर बी योर मेथड, एक बार आप लोग इसे ट्राई करें, अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन तो यार बड़ा कॉमन सा है, ठीक है, मतलब मुझे लगता है हर कोई ये क्वेश्चन कराता रहता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है कि एक जू है, चिड़ियाघर है, वहां पे रैबिट है और पिजन है, अगर आप इनके सर गिनोगे रैबिट और पिजन के तो वो 280 है, राइट, और अगर आप उनके पैर गिनोगे तो 820 उनके पैर हैं, तो बताइए कि यहाँ पे पिजन कितने हैं। अब इस क्वेश्चन को मैंने सही बताऊं ना, इस क्वेश्चन को आप देखना, आपको कम से कम 4-5 मेथड मिल जाएंगे जो अलग अलग तरह से टीचर्स इसको कराते हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन लगभग हर कोई कराता है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन सुनने में बड़ा अजीब सा है कि सर गिनोगे तो इतने हैं, पैर गिनोगे तो इतने, ऐसा क्वेश्चन बच्चे को याद रह जाता है जनरली, ठीक है, तो इसको टीचर अलग अलग मेथड से कराते हैं, कुछ लोग एक होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू सेटिस्फैक्शन मेथड, ये लोगों के बनाए हुए नाम है, ठीक है, कुछ उस मेथड से कराते हैं, कुछ मिक्स एंड एलिगेशन से कराते हैं, तो अपने अपने तरीके हैं सबके इस क्वेश्चन को कराने के, ठीक है, तो एक चिड़ियाघर है वहां पर कुछ रैबिट है कुछ पिजन्स हैं, अगर आप इन सबके सर गिनोगे तो वो 280 है, और अगर इनके पैर गिनोगे तो 820 है, बताइए कि यहां पर पिजन्स कितने हैं। डन है, तो अभिनव संकेत राजू क्या आंसर आएगा, सिमर मीनू, ओके चलो देखते हैं यहां पे, तो यहां पर यार दो कैटेगरी है, देखो मैं मेरे हिसाब से जो सिंपल सा तरीका होता है, मुझे नहीं लगता इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत है, सबसे पहली बात अगर मैं कह रहा हूं सर जो है वो 280 है, तो इसका सीधा मतलब क्या है कि जो रैबिट है और जो पिजन्स है, टोटल रैबिट, क्योंकि सबके सर तो एक ही होंगे ना, तो यहाँ पे जो रैबिट है और जो पिजन्स है ये टोटल कितने हैं, 280 है, सीधा मतलब यही है क्वेश्चन का, राइट ना, कि रैबिट प्लस पिजन्स इज इक्वल टू 280, सिंपल कह सकता हूं मैं, राइट, क्योंकि सबके सर एक होते हैं ना, तो अगर टोटल सर 280 है तो यहाँ पे टोटल जानवर 280 है,
अब जो मेरा ये रैबिट है, रैबिट के पैर कितने होते हैं? रैबिट के पैर चार होते हैं तो 4R हो गया। पिजन के पैर कितने होते हैं? दो होते हैं तो 2P हो गया, दैट इज इक्वल टू 820। अगर आप इसमें से 2 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट करते हो, हाँ रावण के अलावा, राइट, अगर आप 2 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट करते हो तो 2R+P इज इक्वल टू 410 हो जाएगा। फिर आप एलिमिनेशन मेथड लगा देना, तो यहां पर कैंसिल आउट वगैरह करना, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। एक तरीका तो यह है करने का, राइट ना, आप इक्वेशन से सॉल्व कर लेना, पी की वैल्यू 150 आ जाएगी, जो मुझे लगता है ठीक ठाक तरीका, छोटा सा मेथड है, इसी को उठा के लगा देना, बात खत्म। नहीं तो कुछ लोग इसे मिक्स एंड एलिगेशन से भी कराते हैं। कैसे? वो लोग कहते हैं यार यहां पर आप ले लो रैबिट, यहां पर आप ले लो ये पिजन्स, ठीक है, और आप ये मान लो, आपको ये तो क्लियर है कि सारे के सारे ये जो जानवर है, ये टोटल 280 जानवर है, यहाँ पे पिजन्स और रैबिट टोटल कितने हैं? 280 है। क्यों? क्योंकि सबका सर तो एक ही होता है, और आप जब इनको काउंट करोगे टोटल 280 हेड है, इसका मतलब टोटल 280 जानवर है। अब आप ये मान लो अगर सारे के सारे रैबिट होते, अगर ये सारे के ये 280 के 280 अगर रैबिट होते तो टोटल पैर कितने होते? आप पैर के लेग के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है, अगर सारे के सारे रैबिट होते तो टोटल पैर कितने हो जाते? 280 इंटू 4 आप करते, 28/56/1120, टोटल इतने पैर होते। और अगर सारे के सारे पिजन्स होते तो टोटल कितने पैर होते? तो पैर होते 560। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रैबिट और पिजन्स मिक्स है, दैट्स व्हाई आंसर भी मिक्स आ रहा है, दैट इज 820। तो जब आप इसको क्रॉस में ऐसे माइनस करोगे, ठीक है, तो माइनस करने पे क्या आंसर आएगा? ये हो जाएगा मेरा 300 यहां पर आ जाएगा, और जब मैं इसको यहां पे माइनस करूंगा तो यहां से मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 220 आ जाएगा कुछ, डन है। उसके बाद आप इसको कैंसिल आउट कर लेना, जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो कैंसिल आउट करने पे रेशो बनेगा 13:15। तो आपको बताना है पिजन्स कितने हैं, तो पिजन है 15/28 आउट ऑफ 280, यानी कि टोटल 150 पिजन्स है। तो एक तरीका ये भी है मिक्स एंड एलिगेशन से करने का। एक तरीका मुझे ऐसा लगता है यार, ठीक है इक्वेशन ही बना दो, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था भी नहीं है, डन है बात, बताना क्लियर है सभी को ये बात, एक बार फटाफट से यस/नो में बताओ, जैसे गरिमा, राहुल, मीनू, सिमरन, अभिनय, संकेत, सही है, क्या लगता है एक बार चैट में बताना, क्या मिक्स एंड एलिगेशन लगाने की जरूरत थी या इक्वेशन ही ठीक है? देखो यार बस मुझे लगता है आप मेथड जो होते हैं ना, नए नए मेथड उन क्वेश्चन में यूज करो जो लगे कि यार यू नो नए मेथड, उसमें मुझे मेरा पर्सनल मानना है कि नए मेथड या अलग मेथड वहां ठीक है जहां ऐसा लगे टाइम बचेगा मेरा। यहां पर मुझे नहीं लगता है सच कोई टाइम बचा भी है मेरा कि लाइक मैं 101 ये वो करके फिर क्रॉस में डन। मैंने बता दिया आपको ताकि आप कहीं और से पढ़ के इंप्रेस ना हो जाओ कि यार इन सर ने कुछ अलग बताया, मैंने आपको दोनों बातें बता दिया। मेरा पर्सनल मानना है कि यार इक्वेशन छोटी सी सिंपल सी बनती है, वहीं बनाओ बात खत्म, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस तरह का, तो बताएं क्या आंसर आएगा। अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 10%, तो बताइए कि उसकी सेविंग में कितने परसेंट का चेंज आया। ऐसे क्वेश्चन कई आते हैं जिसमें ना दो तीन वैल्यू आपको परसेंटेज में देगा, मतलब एक रेशो में दे देगा दो तीन वैल्यू, फिर उनको चेंज करवाएगा, उन सभी वैल्यूज को चेंज करवाता रहेगा, फिर आपसे एक नया आंसर पूछेगा। जैसे आप देखो इसमें क्लियर होगा, यहां अगर आप देखो तीन चीजों पर बात चल रही है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। एक बच्चे का आंसर आया पर वो गलत है, कोई बात नहीं, ओके तीन बच्चों के आंसर है, तीनों के आंसर गलत आए अभी तक। ओके सो टाइम इज एंड, देख लेते क्या है। देखो अगर कोई बंदा 75% खर्चा करता है, इसका मतलब 100 रुपए कमाता है तो 75 खर्चे करता है, 25 रुपए की उसकी सेविंग है, कह सकता हूं मैं, सिंपल कह सकता हूं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने इसकी इनकम को 20% बढ़ा दिया, इसकी इनकम मैंने 20% बढ़ाई, बंदे की इनकम हो चुकी है 120। जनाब की इनकम बढ़ी है तो खर्चे भी बढ़ेंगे, शौक भी बढ़ेंगे इंसान के, तो उसने अपने शौक बढ़ा दिए, 10% के खर्चे और बढ़ा दिए। 75 का 10% 7.5 होता है, ऐड करोगे 82.5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसकी सेविंग, नई वाली सेविंग क्या है यार, तो इसकी जो नई वाली सेविंग है वो कितनी है, 120 माइनस में 82.5 यानी कि 37.5 इसकी नई सेविंग है। तो इसकी इसकी सेविंग में चेंज कितने का आ रहा है, तो इसकी सेविंग में चेंज आ रहा है यानी कि अगर आपको चेंज इन सेविंग निकालना है तो आप क्या करोगे, चेंज कितना आया, 37.5, पहले 25 रुपए की सेविंग थी अब 37.5 की सेविंग है, 12.5 का चेंज आया, तो सेविंग में 12.5 का चेंज आया, प्रीवियस सेविंग क्या होगी 25 into 100 यानी कि 50% आंसर होगा।
ध्यान रखना, हम लोग जब भी किसी भी चीज का चेंज निकालते हैं ना, किसी भी चीज का जब आप चेंज परसेंट निकालते हो तो ऊपर हमेशा चेंज आता है, नीचे आती है प्रीवियस वैल्यू, नीचे हमेशा प्रीवियस वैल्यू इंटू 100। क्योंकि आप किसी भी इंसान का जब चेंज भी बताते हो, जब आप अपने किसी दोस्त से मिलते हो और कहते हो कि भाई तू मोटा हो गया, पतला हो गया, गोरा हो गया, सांवला हो गया, कोई भी कॉमेंट उसे देते हो तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस इमेज, उसकी पुरानी इमेज जो आपके मन में है उसी के बेसिस पे आप उसे कॉमेंट देते हो कि तू मोटा हो गया, पतला हो गया, गोरा हो गया, सांवला हो गया, वट एवर जो भी है कहना। तो इसलिए चेंज हमेशा प्रीवियस वैल्यू पे बताया जाता है। ठीक है, मीनू कह रही आज अपने सरप्राइज टेस्ट रख दिया। कोई नहीं जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताना, ये मुझे उम्मीद है ये वाले पे कि बता सकते हैं, यहां पर बैठे काफी बच्चे तो क्या आंसर आएगा, क्या लगता है? इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200% एंड द डिनोमिनेटर यार एक बार बताना, ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? ये बीच में थोड़ा सा आई थिंक बफरिंग ले रहा था अभी। एक बार प्लीज चैट सेक्शन में आप लोग बताना मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है, मतलब ये पोल खत्म होने दो, 2-3 सेकंड बचे हैं। ओके, एक बार बताना मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? अभी ठीक है, अभी आवाज वीडियो सब क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है सही से? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। खैर यार ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन काफी मतलब कॉमन है एग्जाम वगैरह में आना, जिसमें कि एक फ्रैक्शन पे वो बात करता है। ठीक है, इसने क्या बोला, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200%, मान लो उसका न्यूमरेटर एक्स था, और अगर आप किसी चीज को 200% बढ़ाते हो तो वो चीज खुद की 300% बन जाएगी, यानी 300% ऑफ एक्स। सीधी बात है यार, अगर आपकी सैलरी एक्स रुपए है और आपकी सैलरी में 50% इंक्रीज कर देता हूँ तो अब आपकी जो सैलरी है वो खुद की 150% हो जाएगी, 150% ऑफ एक्स हो जाएगी। हाँ जी, तो आप कहते हो नहीं सर थोड़ी सी बात जची नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपकी सैलरी एक्स थी और आपकी सैलरी में 50% बढ़ाता हूँ तो आपकी सैलरी एक्स प्लस 50% ऑफ एक्स हो जाएगी, राइट? हर नंबर खुद का 100% होता है। अगर मैं आपसे पूछूं 100% ऑफ एक्स क्या होगा, तो आप कैलकुलेट करो, 100/100 इंटू एक्स करोगे तो एक्स खुद ही होगा, राइट? तो इट कैन बी रिटन एज 100% ऑफ एक्स, तो जब आप ऐड करोगे तो 150% ऑफ एक्स ही तो आएगा। तो इन शॉर्ट एक चीज को लेके हमेशा यूज टू रहो, अगर कोई चीज को 20% बढ़ाया गया तो इट मींस वो खुद का 120% हो गया, अगर किसी चीज को 20% कम किया गया दैट मींस वो खुद का 80% हो गया, ऐसे याद रखना। तो अगर मैं न्यूमरेटर को 200% बढ़ाता हूं तो न्यूमरेटर खुद का 300% हो गया, और डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 350% तो डिनोमिनेटर यानी कि वाई खुद का 450% हो गया, और इस तरह से मेरा नया फ्रैक्शन आता है, दैट इज 5/12 आता है। तो सीधा आंसर होगा 300x। एग्जाम में बच्चे सीधा ये लिखते हैं क्या, कि 300x अपॉन में 450y इज इक्वल टू 5/12, और उसके बाद कैंसिल आउट वगैरह कर लेना, वो सब आप कर लोगे, आंसर इसका 5/8 आना है। सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, 5/8। डन है, आई होप क्लियर है, ये ध्यान रखना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं, आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ एक बच्चे यहां पर, उन्हें एक और छोटी मोटी बात में बता दूं, दैट इज आस्क अ डाउट। जब आप पढ़ रहे होते हो यार किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो उसकी पिक क्लिक करके क्रॉप करके अपलोड कर दो, ऐप के ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखता है आस्क अ डाउट, विद इन अ डे आपको एक डिटेल और एक अच्छा सॉल्यूशन देखने को मिल जाता है। आगे अगर मैं बात करूं बग्स बाउंटी, तो अगर आपको किसी भी एडुकेटर की वीडियो में कोई भी इन अप्रोप्रिएट कॉन्टेंट देखने सुनने जानने को मिल रहा है तो आप उनकी कंप्लेंट करके यू कैन क्लेम योर प्राइस। और यार कोई भी बच्चा अगर बीबीए ऐसे एग्जाम्स को टारगेट कर रहा है, अंडर ग्रेजुएट वाले बीबीए एचएम आईपी मैट ऐसे एग्जाम्स को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आप एक और यूट्यूब चैनल है मैनेजमेंट एग्जाम करके अनअकैडमी का, वहां पे जाओ, एडुकेटर्स डेली लाइव सेशन ले रहे हैं। ठीक है, आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। तो एक छोटा सा कुछ इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। खैर आते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का, बताना क्या आंसर आएगा। मैंने बोला यार 12 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर। ठीक है, एक सेकंड में पोल क्रिएट कर दूं पहले, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन मैंने यही बोला यार कि 12 लीटर है आपके पास, 12 लीटर एसिड और वाटर मिक्स है, मतलब एसिड और वाटर का एक मिक्सचर है 12 लीटर का, उसके अंदर 30% क्या है, एसिड है।
अब मैंने कहा यार उसके अंदर आप कितना पानी बाहर निकालोगे, उसमें से कितना पानी बाहर निकालोगे ताकि एसिड की जो परसेंटेज है वो 40% हो जाए, जो एसिड की प्रेजेंस है उसके अंदर दैट बिकम 40%। ठीक है, बाकी यार जब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, ये एसिड वाटर वाले जिसमें कि दो मिक्सचर होते हैं, दूध पानी का मिक्सचर, एसिड वाटर का मिक्सचर, अल्कोहल और बियर का मिक्सचर, ऐसे ऐसे करके कुछ मिक्सचर होते हैं, कोई खुश मत हो जाना ये सुन के अल्कोहल बियर वगैरह, ठीक है, इमेजिनेशन से बाहर आ जाना। तो ऐसी कुछ चीजें जो होती है यार, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग करेंगे डिस्कशन। तो जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को सिखाऊंगा इसके बारे में, फिलहाल आप इसका आंसर बताएं। बहुत अच्छे अभिनव, बहुत ही अच्छे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अभिनव का आंसर। ठीक है, तो क्या आंसर होना चाहिए यार इसका, देखो अभी मैं आपको ना एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, ठीक है, अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि फिर उसके लिए मुझे डिटेल में पूरी बातें करनी पड़ेंगी, तो आपको एटलीस्ट मैं बेस्ट तरीका तो बता ही देता हूँ सिंपल सा क्या है। देखो यार एसिड कितना है, एसिड जो है देखो यार कहने का मतलब आप इसमें से पानी बाहर निकाल रहे हो ना, यानी इस मिक्सचर के अंदर पहले जितना एसिड था बाद में भी उतना ही एसिड रहेगा, राइट है बात। आप एक छोटी सी बात समझना, 2 सेकंड लगेंगे बस सुनना। जैसे मान लो एक कंटेनर है, आपके पास 2 लीटर दूध है, ठीक है, 2 लीटर दूध है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर 5 लीटर पानी है, इस कंटेनर में 5 लीटर पानी है, इस कंटेनर में 1 लीटर पानी है, राइट, इसमें 1 लीटर पानी है। अगर आप ये 2 लीटर इसके अंदर डालोगे तो ये टोटल कितना बन गया, ये टोटल बन जाएगा 7 लीटर। टोटल कितना हो गया, 7 लीटर। तो इसके अंदर अगर मैं कहूंगा यार दूध की परसेंटेज क्या है, तो आप कहोगे सर 2/7 × 100, यानी कि 28.474 समथिंग कुछ परसेंट है सर, ठीक है, आप कहोगे सर इतनी कुछ परसेंट है लगभग। और अगर आप इसके अंदर दूध डाल दो तो अब ये टोटल कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो यहां अगर मैं पूछूं यार यहां पर दूध कितना परसेंट अवेलेबल है इस मिक्सचर में, तो आप कहोगे सर 2/3 × 100, यानी लगभग 66.66% दूध अवेलेबल है। कहने का मतलब ये है कि दूध की क्वांटिटी तो सेम है ना, 2 लीटर ही, चाहे आप इसमें डालो चाहे आप इसमें डालो, दोनों में ही 2-2 लीटर दूध है, लेकिन जो दूसरा वाला क्वांटिटेंट है वो कितना प्रेजेंट है उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं ये डिसाइड होगा कि दूध की परसेंटेज क्या है। जैसे यहां पर दूध की परसेंटेज थी 28.4%, यहां पर है 66.66%। तो इन द सेम वे यहां पर जो है 12 लीटर मिक्सचर के अंदर 30% एसिड था, तो 30% ऑफ 12 अगर मैं निकालूं तो मेरा आंसर आएगा 3.6, यानी मेरा एसिड कितना है, 3.6 लीटर एसिड है। अब जब आप उसमें से पानी बाहर निकालोगे, जब आप पानी बाहर निकालोगे तो जो मेरा मिक्सचर है उसके अंदर पानी धीरे धीरे कम हो गया, तो एसिड की परसेंटेज बढ़ जाएगी, परसेंटेज बढ़ेगी, एसिड नहीं बढ़ेगा, एसिड तो 3.6 ही रहेगा, 3.6 लीटर ही रहेगा। लेकिन अगर 3.6 लीटर एसिड है और आप उसके अंदर पानी मिलाते जा रहे हो, मिलाते जा रहे हो, मिलाते जा रहे हो, मिलाते जा रहे हो, तो होगा क्या कि एसिड की परसेंटेज जो है वो कम होने लग जाएगी, राइट ना, परसेंटेज कम होगी। क्यों? क्योंकि टोटल क्वांटिटी आप बढ़ाते जा रहे हो, और अगर आप पानी निकालने लग जाओगे तो आप टोटल क्वांटिटी को कम कर रहे हो, यानी पानी को कम कर रहे हो, तो एसिड की परसेंटेज बढ़ने लग जाएगी। अब मान लो जब मैंने इसमें से पानी बाहर निकाल दिया, ठीक है, ये तो था फर्स्ट केस, ये था फर्स्ट केस। सेकंड केस में मैंने क्या किया, मैंने पानी बाहर निकाल दिया, तो जब मैंने पानी बाहर निकाल दिया तो मान लो कुछ एक्स लीटर बचा, कुछ समथिंग एक्स लीटर जो है वो मिक्सचर बच गया, ये कुछ एक्स लीटर मिक्सचर बचा है, मिक्सचर जो है वो एक्स लीटर बचा, राइट, और मैंने क्या बोला एसिड 40% है, तो यानी जो बाद में एक्स लीटर बचा उसका अगर मैं 40% निकालूं तो दैट विल बी 3.6, राइट ना। 12 लीटर था ना मिक्सचर, 12 लीटर का 30% 3.6, यानी कि इसके अंदर एसिड है 3.6 लीटर। अब आप तो पानी बाहर निकाल रहे हो, एसिड वहीं का वहीं प्रेजेंट है, तो जब आपने पानी बाहर निकाला तो पानी बाहर निकालने के बाद अब मिक्सचर पहले 12 लीटर था, अब कितना है वो मान लो मैंने एक्स ले लिया, अब उस एक्स का जो 40% है वो एसिड है, यानी एक्स का 40% इज 3.6। तो आप अगर यहां से एक्स निकालो, कैलकुलेट कर लेना, इतने समझदार आप सब हो, ये छोटी छोटी इक्वेशन आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये एक्स की वैल्यू आएगी 9 लीटर। तो इसका मतलब मैंने पानी कितना बाहर निकाला, पहले मिक्सचर था 12 लीटर अब है 9 लीटर, तो इसका मतलब मैंने पानी कितना रिमूव किया है, वाटर मैंने रिमूव कितना किया, सीधा सीधा 3 लीटर, है ना, 12 में से 9 गया, 3 लीटर रिमूव किया मैंने, तो 3 लीटर इज द आंसर। आया समझ में आप सभी को ये, ठीक है। बाकी यार करने को मैं ऐसे रेशो से, मिक्सचर से और भी कई मेथड है करा सकता हूं, लेकिन राइट नाउ मुझे अभी नहीं पता किस बच्चे का क्या लेवल है, तो जो मेरे हिसाब से बेस्ट सिंपल मेथड है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये इक्वेशन से भी बहुत बड़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, और इक्वेशन भी नहीं बनाई है यार, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया है, कोई फालतू इक्वेशन नहीं बनाई मैंने, मैंने सिंपल बात ये रखी है कि यार अगर पानी बाहर निकालोगे, राइट, तो एसिड पहले 3.6 था तो अब भी 3.6 है, बस फर्क इतना है कि पहले पानी ज्यादा था तो एसिड की परसेंटेज कम थी,
और अब पानी कम हो गया है तो एसिड की परसेंटेज बढ़ गई है। तो पहले एसिड कितना था, 12 लीटर का 30% यानी 3.6 लीटर, और अब जब मैंने इसमें से पानी बाहर निकाला तो मेरा जो मिक्सचर है वो कुछ एक्स लीटर हो गया, और उस एक्स का जब मैं 40% निकालूंगा तो वो है मेरा एसिड। तो इसका मतलब एक्स का 40% 3.6 है, तो एक्स कितना आया 9 लीटर, पहले मिक्सचर था 12 लीटर अब है 9 लीटर, तो ये 3 लीटर कहां गया, क्वेश्चन में क्या निकाला है, पानी ना, तो दैट मींस वो 3 लीटर पानी है। डन, आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएं, इसका बताना क्या आंसर आएगा। ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, छोटा सा, वो कहते हैं ना छोटा सा प्यारा सा काइंड ऑफ, ठीक है वैसा सा क्वेश्चन है ये, तो आप बताना क्या आंसर होना चाहिए इसका। मैं पोल क्रिएट कर देता हूं। A man save a certain part of his monthly income so that he can purchase a car in 16 month. यानी कि आपने सोचा, आपने कोई कार की कीमत डिसाइड करी, ठीक है मान लो कोई कार 2 लाख 4 लाख या 20 लाख की कोई कार है, आपने सोचा मैं अपनी सैलरी का ना हर महीना इतने इतने रुपए बचाऊंगा, तो फिर मैं आने वाले 16 महीने में ये पर्टिकुलर अमाउंट बचा करके लाइक 20 लाख रुपए बचा करके अपनी कार खरीद लूंगा, राइट। लेकिन मान लो अब आपने प्लान करा कि नहीं यार मुझे कार 14 महीने में खरीदनी है, राइट। तो अगर आप अपनी 16 महीने की कैलकुलेशन, जो आपने 16 महीने के हिसाब से सोचा था, अब उसको 14 महीने पे रख दोगे, राइट, तो आप कितना परसेंटेज अपनी सेविंग को इंक्रीज कर रहे हो, क्योंकि इंक्रीज तो करनी पड़ेगी। पहले आपने सोचा यार मैं 16 महीने में कार खरीदूंगा, तो उसके हिसाब से जो भी मान लो 2 लाख की कार है उसे 16 से डिवाइड करके आपने डिसाइड कर लिया हर महीने इतने इतने रुपए बचाऊंगा, राइट। फिर आपने सोचा नहीं यार 14 महीने में खरीदूंगा 2 महीने पहले, राइट, तो अब जो है वो जो वही जो 20 लाख रुपए आपने जोड़ने थे, अगर उसमें 14 मंथ पे लेकर आओगे तो जाहिर सी बात है आपको अपनी जो सेविंग है उसको बढ़ाना होगा, कितना बढ़ाओगे यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है यहां पे, ठीक है। डन है, तो चलो मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा आंसर है यार इसका, आप अपने 16 महीने के जो पैसे हैं उसको 14 महीने पे लाना चाहते हो, ठीक है, तो आपने 2 महीने के पैसे जो हैं उसको रिड्यूस करना चाहते हो, ठीक है, 2 महीने के पैसे यू नो 14 महीने के अंदर इन्वॉल्व करना चाहते हो, तो आपको अपनी सेविंग कितनी बढ़ानी होगी, 2/14 × 100 यानी कि 1/7 × 100, इन शॉर्ट आंसर होगा 100/7, ये इसका सिंपल सा आंसर है। सीधा समझो यार, आपके 14 महीने के जो पैसे थे, आपकी जो 14, आप 16 महीने का जो कैलकुलेशन थी उसको 14 महीने पे लाना चाहते हो, तो जो बाकी का 2 महीना है वही तो 14 महीने के अंदर बढ़ाओगे ना, आप इसको ऐसे समझो 16 महीने में आपने सोचा था कुछ पैसे बचाऊंगा, अब वो पैसे आपको 14 महीने में बचाने हैं, तो ये जो 2 महीने हैं 16 महीने के जो 2 महीने के पैसे हैं वही तो इंक्रीज करोगे आप 14 महीने के अंदर, तो 2/14 × 100 यानी 100/7 इसका आंसर है। डन, चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये वाला आप बताएं क्या आंसर आएगा इसका। ये क्वेश्चन मैं आई गेस कई बच्चों को करा चुका हूं, तो आई होप आप लोग बता पाओगे इसका आंसर। यहां तक सबको आंसर वगैरह तो समझ आ गए ना, बाकी ये जो क्विज में मैंने जितने क्वेश्चन डाले हैं ना, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी डाल दे, काफी सोच समझ के मैंने क्वेश्चंस इन्वॉल्व किए हैं, तो एक बार हो सके तो इन क्वेश्चन को एक बार दोबारा सॉल्व कर लेना, ठीक है, अगर आपके पास टाइम होता है तो एक बार इन क्वेश्चंस को दोबारा देख। अरे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन पे मत जाया करो, आप लोग खुद पढ़ो खुद से समझो क्वेश्चन। एक सेकंड, मैंने पोल तो क्रिएट किया नहीं, एक सेकंड। अब ठीक है, क्या लगता है यार क्या आंसर आएगा इसका। ध्यान रखो इस क्वेश्चन में कि जब भी कोई फल सूख जाता है पड़ा पड़ा, जैसे आप जोश में गए, आपको डॉक्टर ने बोला या आपने कहीं से पढ़ा सेब खाना बहुत अच्छी बात होती है, जोश में गए और सेब खरीद के ले आए, लेकिन सेब आपके टेबल पे पड़ा है और बेचारा पड़ा ही रह गया, आपने खाया नहीं, तो जाहिर सी बात है वो सूख जाएगा, ठीक है। और जब सेब या फिर कोई भी फल सूख जाता है तो उसके अंदर का पानी बेसिकली इवेपोरेट हो जाता है, पल्प तो उतना ही रहता है जितना पहले था, पल्प में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, पल्प पहले जितना था बाद में भी उतना ही रह जाता है, ठीक है। तो क्या सही आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। घाई कर दी, तो क्या आंसर होना चाहिए इसका। देखो पहले क्या था, फ्रेश फ्रूट के अंदर 68% वाटर होता है, 68% का फ्रैक्शन होता है 68/100, यानी 4 से काटूं तो 17/25, यानी कि मैं ये कह सकता हूं अगर मैं फ्रेश फ्रूट की बात करूं तो फ्रेश फ्रूट पे अगर मैं बात करूं तो यार फ्रेश ही आ रहा है, यानी कि
फ्रेश फ्रूट अगर टोटल 25 ग्राम का है तो उसके अंदर पानी कितना होगा? उसके अंदर पानी होगा 70। यानी कि फ्रेश फ्रूट के अंदर अगर मैं बात करूं वाटर कितना है और पल्प कितना है, तो आप कहोगे सर 17 है वाटर, क्योंकि मेरा जो फ्रेश फ्रूट है सर वो 68% के हिसाब से 17/25, तो इसका मतलब है 25 ग्राम के फल में 17 ग्राम पानी है, तो बाकी का 8 ग्राम क्या है? पल्प है। और जो ड्राई फ्रूट है उसके अंदर 20% वाटर होता है, 20/5 का मतलब है कि जो ड्राई फ्रूट है अगर वो 5 ग्राम का है तो उसके अंदर 1 ग्राम पानी है, तो बाकी का 4 ग्राम पल्प है। अब मैंने क्या बोला कि फल जब सूख जाता है तो पल्प तो सेम ही रहता है ना, पल्प थोड़ी चेंज हो सकता है, तो पल्प अगर यहां पर 8 है तो यहां पर भी 8 होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप इसको 2 से इंटू करोगे इस वाले पूरे फ्रैक्शन को 2 से, तो 7 वाला भी 2 से होगा, राइट। तो अब जो वाटर से पल्प का रेशियो है दैट विल बी, ये तो 17:8 ही चलेगा और ये मेरा हो जाएगा 2:8। अब देखो पल्प सेम है, यानी अब ये फ्रैक्शन जो मैंने रेशियो बनाया बिल्कुल सही रेशियो बनाया। तो इस रेशो के हिसाब से मेरा फ्रेश फ्रूट अगर 25 यूनिट का है तो वो ड्राई होने पे कितना हो जाता है? 10 यूनिट का। और मैंने क्वेश्चन में बोला है कि मेरा फ्रेश फ्रूट कितने का? 75 kg का है, तो into 3 करना पड़ेगा, तो यहां पर भी अगर मैं into 3 करूं तो मेरा ड्राई फ्रूट कितने का बनेगा? 30 kg का। सो 30 kg विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है यार, इसको ध्यान रखना, मार्क लेना, दिखता रहता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग बताना, ये तो मैं उम्मीद करता हूं कई बच्चे बता पाएंगे यहां पे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या आएगा। ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 8 डेज इफ ए एंड बी, एक सेकेंड मैं पोल क्रिएट, मैं भी भावुक हो जाता हूँ, पोल क्रिएट करने भूल जाता हूँ मैं। एक सेकेंड संकेत, मैं अभी बताता हूँ, ये जो आपने चैट में भेजा है ना इसके ऊपर अभी मैं डिस्कशन करता हूँ। एक बार इसका आंसर बताना आप लोग। तो यहाँ पे कई बच्चे हैं जिनसे मुझे उम्मीद है कि शायद वो इसका आंसर बता सकते हैं, बट हाँ टाइम थोड़ा सा कम दिया है मैंने तो मे बी ना भी बता पाए। ओके सो द पोल इज अबाउट टू एंड, बट देखते हैं यार क्या आंसर। ओ क्या बात है संकेत, एकदम लास्ट सेकंड पे, ठीक है। देखो यार सिंपल सी बात है, यहां पर अगर मान लो एक दिन में ए काम करता है, बी एक दिन में बी काम करता है, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? ए प्लस बी। मैंने बोला 8 दिन में पूरा काम कर देते हैं, तो अगर आप इसमें इंटू 8 करोगे तो ये जो आया ये क्या आया? ये टोटल वर्क रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर मैंने बोला ए अगर अपनी एफिशिएंसी का डबल हो जाए और बी अपनी एफिशिएंसी का 1/3 हो जाए, यानी ए अब किस स्पीड से काम करे? 2a की स्पीड से काम करे, और बी 1/3 यानी b/3 की स्पीड से काम करे, तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी ये होगी। अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं कितना? 6, क्योंकि बाद में 6 डेज में होता है, तो ये बात भी टोटल वर्क को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये दोनों ही चीजें आपस में बराबर होंगी। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 8a प्लस में 8b इज इक्वल टू 6 2 12a, और प्लस में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 2b। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4a और ये वहां जाके हो जाएगा 6b, तो यहां से ए और बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 6/4 के हिसाब से, ये गया 3 पे, ये गया 2 पे, यानी ए की एफिशिएंसी अगर 3 है तो बी की एफिशिएंसी 2 है, यानी मैंने एफिशिएंसी निकाल ली ए और बी की, मतलब कि मैंने ए और बी का 1 डे वर्क निकाल लिया, कि ए अगर एक दिन में 3 काम करता है तो बी 2 काम करता है। अब मुझे बताना है ए पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो यार क्वेश्चन में ये कहा गया था कि ए और बी मिलकर 8 दिन में पूरा काम कर देते हैं, तो ये टोटल वर्क है, और अब मैंने पूछा बताओ ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो ए जो दिन लेगा उसको आप एक्स मान लो, कि ए जो दिन लेगा दैट इज एक्स, ए के थ्रू लिए गए दिन। ए प्लस बी अगर मैं करता हूं तो 3+2 हो जाएगा, राइट, और इंटू 8 हो जाएगा, और यहां पर ए की एफिशिएंसी क्या? 3a, तो ये हो गया 5, 5 8 4 5 8 40, तो ए की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 40/3 आएगी। सो 40/3 इज द राइट आंसर। डन है बात, आई होप क्लियर है आंसर क्वेश्चन सभी को। ये ध्यान रखना ये कैट 20 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कैट 20 या 19 में क्वेश्चन आया था, तो इसको आप ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का, ये क्वेश्चन आप लोग बताएं। पोल मैं क्रिएट कर देता हूं, इसमें कहता है, तो वही मैं कहता हूं यार जो बच्चे मेरे से टाइम एंड वर्क पूछ चुके हैं या अदर चैप्टर, उन्हें पता है कि यार इस तरह के क्वेश्चन की मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई है उन बच्चों को, ठीक है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखें,
और पोल आप जरूर, जो भी एक क्विज होते हैं ना, ये जो स्पेशली क्विकली जो क्विज चलते हैं उनको जरूर अटेम्प्ट किया करो, लेकिन वो बहुत क्विक होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि चैप्टर आप पढ़ो, लेकिन ऐसे क्विजेस जरूर अटेम्प्ट किया करो, ठीक है, जिसमें कि काम थोड़ा तेजी से हो। ये नहीं हो कि 1 घंटे में बस मैंने 5 क्वेश्चन कराए, ऐसा नहीं। क्विज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो तो ज्यादा बेटर है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख पाओ। रह गया चैप्टर को सीखना, मतलब दो काम करो, चैप्टर भी पूरा कंप्लीट पढ़ो, लेकिन साथ के साथ क्विज भी देते रहो, ताकि आपकी जो मैथ्स है ना क्विकली चले, थोड़ी सी आपका दिमाग ना कैलकुलेशन में तेजी से काम करे, राइट। वो सब चीजें आप क्विज के थ्रू ही कर पाओगे, वैसे नहीं कर सकते आप। डन है? तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें, इन पे आप लोग जरूर ध्यान दें। ओके, सो और किसी बच्चे का अगर आंसर आया हो। ओके, टाइम इज अबाउट टू एंड, कोई बात नहीं जी, मैं कराता हूं, मैं ये सब मिक्स क्वेश्चन दोबारा करूंगी। हाँ मीनू, बिल्कुल दोबारा करना, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें यार, फटाफट से देख लेते हैं क्या है। देखो, मैंने हमेशा बच्चों को एक चीज बोली है, कभी भी टाइम एंड वर्क चैप्टर जब आप पढ़ो, टाइम एंड वर्क, और उसके अंदर कोई भी बंदा या तो काम को छोड़ के चला जाए बीच में, या फिर बीच में आकर के काम को ज्वाइन कर ले, तो जो भी बात कंप्लीट सेंस में कही गई है, हमेशा टोटल वर्क लेट करो। जो भी बात कंप्लीट सेंस में कही गई है, उसके बेसिस पे टोटल वर्क लेट कर लो, और फिर जैसा जैसा क्वेश्चन कहे बस वैसा वैसा करते जाओ। देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो कंप्लीट सेंस में बस एक ही बात बोली गई है कि ए और बी मिलके पूरा काम करते हैं 30 डेज में, बाकी दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 23 डेज बी लेफ्ट। फिर ये तो कहानी है कि भाई दोनों आते थे, 23 डेज के बाद बी चला गया, ठीक है, और ये जो पूरा काम है द होल वर्क कंप्लीटेड इन 10 डेज, ठीक है। हालांकि आई गेस यहां पर रिमेनिंग वर्क होना चाहिए, ठीक है, होल वर्क नहीं होना चाहिए यहाँ पर, होल नहीं, यहाँ पर रिमेनिंग आना चाहिए, रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन 10 डेज, ठीक है। वट विल बी द इंडिविजुअल वर्क ऑफ ए एंड बी, ठीक है, तो इंडिविजुअली मतलब ये पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये पूछना चाहता है। तो आप क्या करो, यहाँ पे कंप्लीट सेंस में एक ही बात बोली गई है, 30, 30 का मल्टीपल क्या होता है, 30 होता है, तो आप टोटल वर्क क्या लेट कर लो, सीधा सा आप यहाँ पे लेट कर लो कि टोटल वर्क कितना होगा, 30 होगा, राइट है जी बात। अब उसके बाद क्वेश्चन को मैं करता हूँ कैसे। देखो, इसने बोला ए और बी मिलकर 30 डेज में पूरा काम कर देंगे, तो भाई ए और बी 1 दिन में कितना काम करेंगे, ए और बी का वन डे वर्क क्या होगा, ए और बी का वन डे वर्क होगा 30 डिवाइडेड बाय 30 के हिसाब से 1 होगा। अब ए और बी ने एक साथ 23 डेज तक काम किया है, तो ए और बी का 23 दिन का काम कितना होगा, 23 होगा। मान लो 30 असाइनमेंट बनाने थे, ए और बी 30 असाइनमेंट 30 डेज में बना सकते हैं, दैट मीन्स 1 दिन में 1 असाइनमेंट बनाएंगे, तो 23 डेज में 23 बनाएंगे, राइट। अब रिमेनिंग वर्क कितना है, काम रह कितना गया, काम रह गया 7, क्योंकि मेरा जो बी है वो जा चुका है, तो ए ही बचे हुए काम को करेगा 7 डेज में, 7 वर्क को 10 डेज में करता है, तो यहां से ए का वन डे वर्क आ जाएगा। ए का वन डे वर्क क्या आ गया मेरे पास, ए का वन डे वर्क आ गया मेरे पास, दैट इज 7 बाय 10। तो बी का वन डे वर्क क्या आएगा, बी का वन डे वर्क आएगा 1 माइनस 7 बाय 10, यानी कि 3 बाय 10। अब अगर मैं आपसे पूछूं ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम है 30, और 1 दिन में कर सकता है 7 बाय 10 काम, तो आंसर ए का कितना आएगा, 300 बाय 7। और अगर मैंने बी पूछा है तो बी के केस में आंसर होगा 30 डिवाइडेड बाय 3 बाय 10, सॉल्व करोगे तो 100 आ जाएगा, तो कुल मिला के ए इज द राइट आंसर। डन है बात? तो आई होप जैसे पीहू, अनिसुर और संकेत, मीनू, क्लियर है क्वेश्चन सभी को, ठीक है। आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या आंसर आएगा इसका, एक बार आप लोग बताएं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, ए वर्क फॉर 8 डेज एंड बी, चलो पोल क्रिएट कर देता हूं मैं सबसे पहले इसका, पूछा गया मैंने इन हाउ मेनी डेज बी ना, बताना जी क्या आंसर आना चाहिए इसका। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए अलोन वर्क फॉर 8 डेज, ए अकेला उस पर 8 दिन काम करता है, एंड बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज, और बी जो है वो बचे हुए काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, तो बताइए कि बी अकेला पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है, बी अकेला पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये हमें बताना है। तो देखो यार, जैसे मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है, महिमा बहुत अच्छे, वेरी गुड, तो जैसे मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि टोटल वर्क, जो भी काम छोड़ के जाता है बीच में से, या कोई बीच में आकर के काम को ज्वाइन कर लेता है, एक बार देख लेते हैं यार आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। संकेत 6 आउट ऑफ 18, सिमरन 5 आउट ऑफ 18, मीनू 3 आउट ऑफ 18, अभिनव, राजू, महिमा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कई क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हो पाए, पर कोई बात नहीं, ठीक है, इस तरीके के क्विजेस अटेम्प्ट करना जरूरी है, ठीक है। संकेत बिल्कुल सही है,
इसका भी हो गया पर थोड़ा लेट। हाँ संकेत सही आंसर है बिल्कुल आपका, ठीक है कोई बात नहीं मीनू। देखो यार मैंने हमेशा कहा है कोई भी बंदा बीच में से काम छोड़ के जाता है या बीच में आकर के काम को ज्वाइन कर लेता है तो आप हमेशा क्या किया करो, टोटल वर्क लेट करो। यहां पर एक ही बात कंप्लीट सेंस में कही गई है कि ए और बी मिलके पूरा काम 12 दिन में कर सकते हैं, तो आप सीधा सा एक काम करो टोटल वर्क जो है ना, टोटल वर्क क्या लोगे, 12 का मल्टीपल ले लो यानी कि 12 ले लिया, तो इस हिसाब से ए और बी का वन डे वर्क क्या आएगा। अगर आप ए और बी का वन डे वर्क देखो तो इनका वन डे वर्क आएगा क्या, वन आएगा। ठीक है अब क्वेश्चन क्या कहता है, ए ने इसमें 8 दिन काम किया है और बी ने बचा हुआ काम 20 दिन में कंप्लीट किया है, तो ए ने 8 दिन और बी ने 20 दिन काम किया है, लेकिन मुझे तो दोनों का कंबाइन आंसर बताना कि दोनों मिलकर एक दिन में एक काम करते हैं। तो एक काम करते हैं, जो बी के 20 दिन है ना इसमें से बी के 8 दिन और 12 दिन में अलग कर देता हूं, और ये जो बी के आठ मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए ने 8 दिन काम किया, बी ने 8 दिन और 12 दिन, मतलब उसके 20 दिन को मैंने से 8 और 12 करके रीड कर रहा हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं ए और बी के 8 दिन एक साथ कंबाइन कर दूं, राइट। तो ए और बी 8 दिन में कितना काम करेंगे, ए और बी 8 दिन में काम करेंगे कितना, 8 काम करेंगे, तो काम बच कितना गया, रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क है 4। अब क्वेश्चन क्या, अब मीनिंग क्या निकल के आया कि बी के पास दिन कितने बचे हैं, 12, मतलब मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ए ने 8 दिन काम किया, बी ने 20 दिन किया, तो ए के 8 दिन और बी के 8 दिन उठा करके कंबाइन करके मैंने लेट किया, 8 काम हो गए। अब काम बचे हैं 4 और दिन सिर्फ बी के बचे हैं 12, तो यहां से मैं बी का वन डे वर्क निकाल सकता हूं कि बी का वन डे वर्क क्या आएगा, तो यहां से बी का वन डे वर्क आ जाएगा मेरा कितना, दैट इज 4/12 के हिसाब से 1/3, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 12/1/3 यानी कि 36 डेज में। सिंपल सी कहानी है समझना, ठीक है ना। जो बात कंप्लीट सेंस में कही जाती है वहां से टोटल वर्क ले लिया करो। आपने टोटल वर्क क्या लिया कि भाई ये कहता है ए और बी मिलके 12 दिन में पूरा काम कर देंगे, तो आपने टोटल वर्क लिया 12, राइट। अब ये कहता है ए ने 8 दिन काम किया और बचा हुआ काम बी ने 20 दिन में किया। अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे ए और बी का इंडिविजुअली वन डे वर्क नहीं पता, तो मैंने क्या करा, ए के 8 दिन और बी के 20 दिन, तो बी के वो जो 20 दिन थे ना उसमें से 8 दिन मैंने निकाले और ए के साथ कंबाइन कर दिए, तो ए और बी 8 दिन में कितना काम करेंगे, 8 असाइनमेंट सॉल्व हो गए। असाइनमेंट बचे कितने हैं, 4, और किसके दिन बचे हैं, किस वर्कर के दिन बचे, बी के 12 दिन बचे हुए हैं, तो इसका मतलब ये निकलता है कि बी 12 दिन में 4 काम कर लेगा, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/3, तो सारा काम ये 12 के 12 काम करने में कितना दिन लगाएगा, 36। या आप ऐसे भी बोल सकते थे कि सर कंक्लूजन ये निकल रहा है, बी को लेकर के कंक्लूजन ये निकल रहा है कि बी जो है वो 4 काम कितने दिन में करता है, सर करता है 12 दिन में, टोटल काम कितना था, 12 × 3 करोगे तो यहां से बच्चा तुरंत ही आंसर बता देगा, 36 आंसर है, समझ गए। तो प्रैक्टिस में रहो, ये सब चीजें आप बहुत आराम से बता पाओगे, जिसको करने में बच्चे ऐसा सोचते हैं पता नहीं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कुछ आ गया, बहुत इजीली कर पाओगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने यार, इसका आंसर आप लोग बताएं, ठीक है। ये है आपका पार्टनरशिप चैप्टर, आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कभी ना कभी, तो ये पार्टनरशिप चैप्टर से ही रिलेटेड है कुछ, ठीक है। तो आप लोग बताएं क्या आंसर होना चाहिए, मैं पोल क्रिएट कर देता हूं एक। ए बी सी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और पैसा कितना इन्वेस्ट करते हैं, 5, 6, 8 के रेशो में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एट द एंड ऑफ द बिजनेस जब इनका बिजनेस खत्म हुआ तो इनको प्रॉफिट इस रेशो में मिला, तो बताइए कितने टाइम के लिए इन्होंने पैसा कॉन्ट्रीब्यूट किया था, टाइम का रेशो क्या होगा। आई होप ये बच्चों को पता है, यहाँ पर जो भी बच्चे उन सबको पता है कि जब हम कैपिटल के अंदर जो पैसा होता है, राइट, कैपिटल के अंदर जो पैसा आप लगाते हो उसे आपने कितने टाइम के लिए लगाया, कैपिटल में जब आप टाइम इंटू करते हो तो टोटल इन्वेस्टमेंट आती है, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट आती है, और जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है ना, जो आपके इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है वही प्रॉफिट का भी रेशो होता है। तीन बच्चों ने आंसर किया, तीनों के आंसर गलत हैं, कोई बात नहीं सीखेंगे यार, इसीलिए यहां पर आए हुए हम लोग, ठीक है, दैट्स व्हाई हम लोग यहां पर आज मिले हैं, तो सीखते हैं क्या होगा इसका आंसर। बाकी एक बार मैं लीडर बोर्ड शेयर करूं तो संकेत 6 out of 19 के साथ अभी तक आगे चल रहा है, ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। तो यहां पर यार मैंने बात करी है इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, देखो यार सिंपल बात समझना, रेशियो जो होता है ना, रेशियो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है वही प्रॉफिट का भी रेशियो होता है, वही होता है रेशियो किसका, प्रॉफिट का। जिस रेशियो में आप इन्वेस्ट करोगे उसी रेशियो में आप प्रॉफिट डिवाइड करते हो, ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कैसे निकाली जाती है, कैपिटल मल्टीप्लाई में टाइम, कैपिटल में जब टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आता है जो कि बेसिकली प्रॉफिट का ही रेशियो होता है। तो मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूं ना कि यार अगर मुझे रेशियो निकालना है टाइम का,
क्योंकि मैं फिर सीधा ये कह सकता हूँ कि कैपिटल में टाइम मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट आता है। रेशो के मैनर में रीड करूं तो कैपिटल के रेशो में टाइम का रेशो मल्टीप्लाई करने पे इन्वेस्टमेंट का रेशो आता है, जो कि प्रॉफिट का ही रेशो है। तो अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं प्रॉफिट को कैपिटल से डिवाइड कर देता हूं, आ जाएगा टाइम। तो प्रॉफिट का रेशो क्या है, 5:3:12, और कैपिटल का रेशो क्या है, 5:6:8, 5:6:8, दोनों को डिवाइड करूंगा तो टाइम का रेशो आएगा। 5 को 5 से डिवाइड किया 1, 3 को 6 से डिवाइड किया 1/2, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 3/2 आ जाएगा, राइट ना। फिर वैल्यू को सेम करने के लिए, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप सब में 2 × करोगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 से 2 कटेगा 1, 2 से 2 कटेगा 3, तो 2 × 1 = 3, यानी कि नन ऑफ दिस सही आंसर है। समझ गया आप लोग बात। तो आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बस ये ध्यान रखना, पार्टनरशिप चैप्टर यही है पूरी कहानी चैप्टर में, कि कैपिटल के रेशो में टाइम का रेशो मल्टीप्लाई करने पे टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशो आता है, जो कि कहीं ना कहीं टोटल प्रॉफिट के रेशो के बराबर होता है। ठीक है, चलो आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। और कुछ बच्चे, आई गेस मीनू, ये तो आप देखते ही बता देना, हाँ बिना पेन चलाए। एक बच्चे का आंसर गलत आया, ये मीनू आप ही तो नहीं हो, ये थोड़ा सा गलत याद रहेगा, गलत याद रह गया होगा आपको। देखो यार, कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ चैप्टर को पूरा ढंग से कंप्लीट करूं, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इस क्वेश्चन को करना एक्चुअली कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, टाइम इज अबाउट टू एंड। चलो यार, यहाँ पर आकर के हमारी क्विज भी खत्म होती है। तो ओवरऑल आज का रिजल्ट कुछ इस तरह से है कि संकेत 6 out of 20 के साथ नंबर 1, ठीक है, देन सिमरन, मीनू, अभिनव, राजू और महिमा, ठीक है। खैर जी, कोई बात नहीं, आज एक जस्ट एक ट्रायल था, ठीक है, जस्ट टू शो यू कि किस तरीके के क्विज हमें दिखेंगे। तो यार बाकी मैं ये चीजें आप लोग बच्चों को करा चुका हूं, जो बच्चे मेरे से कंपाउंडर्स पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि मैंने बताया था कि फॉर सेम टाइम गैप, मैंने क्या बोला था, फॉर सेम टाइम गैप कॉमा रेशियो ऑफ अमाउंट इज सेम। जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जब सेम टाइम गैप होता है तो अमाउंट का रेशियो सेम रहता है। यानी कि अभी आपने मेरे से पैसे लिए पी नाम के 0 ईयर पे, आफ्टर 10 ईयर ये कितना बन जाता है, 66300, और आफ्टर 20 ईयर ये बन जाता है 99450, है ना, ये 10 साल बाद बन जाता है और ये 20 साल बाद बन जाता है और ये बिल्कुल 0 ईयर पे है। तो आप देखो तो गैप सेम है कहीं ना कहीं, 10 का गैप 10 का गैप। तो ऐसे में करना क्या होता है, प्रिंसिपल अपॉन में 66300 इज इक्वल टू 66300 अपॉन में 99450, सिंपल यही करना था। अब जो बच्चे हैं वो कैलकुलेशन में अटके होंगे जहां तक मुझे लगता है, तो प्रिंसिपल आएगा 44200, डन है। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट था, लेकिन कोई नहीं यार, कैलकुलेशन बाद की बात है, बट आई होप ये आपको समझ आया हो, ठीक है। ये क्वेश्चन यार हमेशा के लिए ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत कॉमनली रिपीट होता है, डन है। आई होप आज की ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो, आज का इस सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो, जिसमें कि हमने बस क्विजेस पे ध्यान दिया, फटाफट से हमने 20 क्वेश्चन करे। आप एक बार, मेरा ये राय, मेरा यह कहना होगा कि यार एक बार ये 20 क्वेश्चन आप दोबारा से देख लेना, अगर आप पे टाइम बनता है तो, काफी सोच समझ के सेलेक्ट करके 20 क्वेश्चन मैंने एक साथ समअप किए थे, ठीक है। हाँ, सब रिपीट करना पड़ेगा, यस। हाँ यार, पता क्या, ये ऐसे रैंडम क्वेश्चन किया करो, इससे ना आपका दिमाग बहुत तेज, मतलब ये कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है जो आप बहुत तेजी से पकड़ पाओगे एग्जाम में, क्योंकि यार आपको पता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक तुरंत आपके दिमाग में आंसर क्लिक होना चाहिए, वहां पे इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के डिटेल में पूरा सॉल्व कर रहे हो, राइट ना। तो जैसे मैंने कहा, चैप्टर पूरे कंप्लीट सीखो, पढ़ो, जो कि अच्छी बात है, जरूरी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो यार यूट्यूब वगैरह पे मैं 2 बजे और 11 बजे जब आता हूं, तो 11 बजे वाले सेशन में, और ये जो ऐप के ऊपर मैं TTS में 8 बजे पढ़ा रहा हूं, उसमें कहीं ना कहीं मैं कंप्लीट चैप्टर के सेंस में पढ़ा रहा हूं। और बाकी अगर मैं यहाँ पे बात करूं यार, तो ऐसे कुछ रैंडम क्विज मैं आपके सामने लाता रहूंगा, जिसमें आप ये रैंडम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ताकि आपका दिमाग चलता रहे। ये सारे क्वेश्चन बार बार करोगे ना, आपके टिप्स पे आ जाएंगे, और यही चाहिए। हाँ संकेत, कल नहीं हो पाया था, कल कुछ थोड़े सी इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं नहीं ले पाया था क्लास, ठीक है, आज लूंगा 11 बजे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो खैर जी, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। बाकी ऐप इंस्टॉल आपने कर रखी है, सब्सक्रिप्शन का पॉइंट आपको पता है, कैट की कैटेगरी में प्लस, कोर्सेज, गेट सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक वगैरह का डिफरेंस आपको पता है, फीस स्ट्रक्चर क्या आपको पता है, ठीक है।
RMN10 कोड यूज करना जब आप सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो, यूज द कोड RMN10 टू गेट द 10% डिस्काउंट। कॉम्बैट सेशन में पार्टिसिपेट करना है, फ्री क्लासेस को अनलॉक करना है, इस कोड का यूज जरूर करना। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखें आप सब अपना। ओके बाय।